नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, अगर आप आज का थर्ड शिफ्ट का पेपर दे के आए हैं तो आप अपने सारे प्रश्न जो आपको याद आ रहे हैं मैथ्स के, जीएस के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, वो प्लीज़ कमेंट करें। इससे आपके भाइयों का जिनका पेपर एक दो दिन और बचा हुआ है उनका फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़, अगर आपका पेपर नहीं था तो आप सारे प्रश्न जो मैं बताता जा रहा हूँ ये सारे प्रश्न एकदम रट लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सब हो गए हैं, रिपीट होने लगे हैं, अंग्रेजी में भी, जीएस में भी, और मैथ्स के तो टॉपिक वही रिपीट हो ही रहे हैं। तो चलिए आते हैं पहले प्रश्न पर, बात करते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। प्रश्न हमें राकेश राजपूत जी ने भेजा है, तो सबसे पहले राकेश को धन्यवाद कि उन्होंने इतना काम किया हमारे लिए, हमारे सब भाइयों के लिए। कहा गया कि सबसे कम उम्र के नोबेल विजेता, आप कहेंगे सर लॉरेंस ब्रेक तो गलत है, मलाला यूसुफजई हैं, लेकिन यही पूछा गया था कि मलाला यूसुफजई से पहले सबसे कम उम्र का नोबेल प्राइज़ विनर कौन था। तो मलाला यूसुफजई को तो 17 साल की उम्र में मिला है, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है किसका, लॉरेंस ब्रेक का। लॉरेंस ब्रेक को नोबेल कितने साल की उम्र में मिला था, 25 साल की उम्र में मिला था, ठीक है। लॉरेंस ब्रेक को 25 साल की उम्र में मिला था, मलाला यूसुफजई से पहले ये सबसे कम उम्र के नोबेल पाने वाले व्यक्ति थे। मलाला यूसुफजई को कब मिला है, 2017 में कैलाश सत्य, मतलब 2015 में कैलाश सत्यार्थी के साथ शांति का नोबेल इनको मिला है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे, पूछा गया था लाहौर का किला किसने बनवाया, तो लाहौर का किला किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था। लाहौर का किला किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे, पूछा गया था नगर पालिका, नाग पालिका नहीं, नगर पालिका ये है नगर, नगर पालिका किस अनुसूची में है। तो नगर पालिका से प्रश्न आने लगे तो नगर पालिका किस अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में है। नगर पालिका से रिलेटेड कुछ चीज़ें और हैं जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, तो चलिए जान लेते हैं। नगर पालिका से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नगर पालिका किस अनुसूची में है, तो 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। आपसे पूछा जा सकता है कि विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए किसका गठन किया जाता है, तो जिला योजन समितियों का। आपसे पूछा जा सकता है संविधान के किस संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में एक तिहाई सीट, आपको पता होना चाहिए कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आवंटित हैं, आरक्षित की गई हैं, जो 74वें संविधान संशोधन के तहत मतलब आरक्षित की गई हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं के गठन की बात की गई है, तो अनुच्छेद 243 के क्यू में पूछा गया। अब देखिए, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में शायद पॉलिटी का एक भी प्रश्न नहीं आया और इसमें दो प्रश्न पूछ लिए गए। पूछा गया किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था, तो 74वां, और संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन है, तो 12वीं। आपको ध्यान रखना है ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आज प्रश्न पूछा गया कि संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन किया गया है, ठीक है। अच्छा, आपसे फाइलम से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा फाइलम से रिलेटेड कि किस संघ का प्राणी कौन सा है, ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बहुत अच्छे प्रश्न इससे आ रहे हैं। अब जैसे पूछा गया ऑक्टोपस किस संघ का प्राणी है, तो आपका हो जाएगा मोलस्का। किस संघ का प्राणी है, मोलस्का संघ का प्राणी है। आते हैं अगले प्रश्न पे, पूछा गया था हर्ष का एंटोनिम क्या होगा। हर्ष मतलब होता है रिजिड होता है या कठोर होना, क्रूल होना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सॉफ्ट, डलसेट, सबड्यूड या काइंड, मतलब कि सॉफ्ट होना मतलब नर्म होना, काइंड मतलब होता है जेनरस होना, ठीक है। डलसेट, सबड्यूड, ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। आप देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में फिर वही रिपीट कर दिया गया, कई बार ये पूछा जा चुका है। कन्वेलेसेंस अभी दो दिन पहले पूछा गया था, तो कन्वेलेसेंस मतलब क्या होता है, कोई अगर रिकवर कर रहा है, ग्रेजुअली रिकवर फ्रॉम इलनेस, ग्रेजुअली रिकवर फ्रॉम इलनेस, यानी कि बीमारी से रिकवर होना, इसको क्या कहते हैं, कन्वेलेसेंस कहते हैं। इसका मतलब होता है बीमारी से रिकवर होना, यानी कि अगर आपको मतलब बीमार थे और आप रिकवर कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, कन्वेलेसेंस इसको कहा जाता है, बीमारी से ठीक होना, ठीक है। आपसे पूछा गया था ईडीएम में लास्ट स्ट्रा मतलब क्या होता है। आपने पढ़ा होगा हिंदी में डूबते को तिनके का सहारा, वही होता है लास्ट स्ट्रा ईडीएम का मतलब, यानी लास्ट स्ट्रा मतलब लास्ट चीज़ जो आपके हेल्पफुल दिख रही है, मतलब आपके लास्ट समय में जो हेल्पफुल दिख रही है। व्हेन समथिंग इज डीम्ड टू बी द वर्स्ट, मतलब कि आपको जब कोई ऐसी चीज़ कोई सहारा ना हो, तब कोई अगर छोटा सा भी सहारा हो उसको कहते हैं लास्ट स्ट्रा, ठीक है। आपसे पूछा गया मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में है, तो मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 74 में है, ठीक है। आपसे कहा गया था कि दो गोलों के आयतन का अनुपात 64:125 है, इनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब आपको पता है अगर गोलों के आयतन का अनुपात 64:125 है, तो आपको पता है गोलों के आयतन का अनुपात केवल उनकी त्रिज्याओं के क्यूब के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि R1 क्यूब / R2 क्यूब आपको दिया गया है,
64/125। यहाँ से हम कह सकते हैं ये 4/5 का होल क्यूब लिखा है, यानी कि हमें त्रिज्या का अनुपात पता चल गया, R1/R2 बराबर 4/5 है। अब अगर R1 और R2 का अनुपात पता चल गया, इससे कुछ भी आपसे पूछा जाए, इनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होता है R1 का स्क्वायर अपान R2 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 अपान 5 का स्क्वायर 25। तो इनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 16:25। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए। आपसे पूछा गया बांग्लादेश में बराक नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बराक नदी कहाँ से उत्पन्न होती है, सबसे पहले ये जानेंगे। ये मणिपुर से उत्पन्न होती है, मणिपुर से निकलती है। इसकी लंबाई 560 मील यानी कि 900 किलोमीटर के लगभग है, और इसे बांग्लादेश में सूरमा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, सूरमा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। आपसे पूछा गया अगर 342/18 है तो 156 क्या होगा। अब देखिए कैसे करेंगे आप, 3, 4 और 2 को जोड़िए तो 3, 4, 7, 2, 9, 9 का दूना कितना होता है 18, यानी कि 18 आ गया। इसी प्रकार 6, 5, 1 को जोड़िए तो 6, 5+1 यानी कि 6, 5, 11, 1, 12, 12 का दूना कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24। आपको 3, 4 और 2 को जोड़ना है, आपका हो जाएगा 3, 4, 7, 2, 9, 9 का दूना 18, इसी प्रकार 6, 5, 11, 1, 12, 12 का दूना 24। आते हैं अगले प्रश्न पे। आपसे पूछा गया कि 1968 के बाद कौन सी भाषा को संविधान में जोड़ा गया। तो आपने पढ़ा होगा कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा संविधान में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी, कोंकणी, मेईती व नेपाली। कोंकणी, मेईती, मेईती मणिपुर में बोली जाती है, और नेपाली भाषाएं जोड़ी गई थी संविधान में। संविधान में अब कितनी भाषाएं हो गई हैं, 22। तो आपको पता होना चाहिए 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है, 8th शेड्यूल में राजभाषाओं का वर्णन किया गया, 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मेईती व नेपाली। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। ये कोमल राजपूत ने प्रश्न भेजे हैं सारे। तो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चन जो अभी तक हमें मिल पाए हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका थर्ड शिफ्ट में पेपर था तो प्लीज़ जो आपके शिफ्ट में पेपर क्वेश्चंस आए, जो भी आपको याद है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम अभी जब मैथ्स वाला एनालिसिस लेके आएँ और पूरे दिन का एनालिसिस, तो उसमें आपके सारे प्रश्न ले लें, और आपको स्पेशल बाई नेम थैंक यू कहा जाएगा। थैंकफुल रहूँगा मैं और हमारे जो भी मतलब जिनका फ़ायदा होगा वो सारे। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद।